विधानसभा चुनाव के बाद भी भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया है कि केयरटेकर मुख्यमंत्री के दबाव में कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो या खुद के पाटन निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। अजय चंद्राकर ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भाजपा द्वारा की गई तमाम शिकायतों पर हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जाँच कराई जाए। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण देते हुए बयान आ गया कि ऐसी ऐसी हमारी कार्य पद्धति है और इस तरह से कार्य करते हैं और इसमें गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल एक बार नहीं अनेकों बार राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क किया और जिसमें कई गंभीर शिकायतें थी। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालना है या विकलांग मतदाताओं को, दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालना है, पर जो आरोह हैं संबंधित क्षेत्रों के, उन्होंने राजनीतिक दल के BLO2 को या उनको खबर नहीं की। जहां पर लोग जागरूक थे उन्होंने मांगा कि भाई इसकी प्रक्रिया क्या है, तभी उनको जानकारी मिल पाई। कर्मचारियों के भी मतदान में यही बातें हुई कि मतदान का प्रतिशत उनका ज्यादा हुआ, लेकिन यदि किसी के ड्यूटी कट गए तो उसका नाम ड्यूटी चार्ट से यदि नहीं हटाया गया तो वो मूल स्थान पर मतदान से वंचित हो गए, उसको जानबूझ के ऐसा किया गया। क्योंकि ये जानते थे कि कर्मचारी वर्ग जो है कांग्रेस से नाराज होगा और जितना वो अधिक वोट करेंगे उतना कांग्रेस को क्षति होगी, इसलिए ड्यूटी चार्ट से उसका नाम नहीं हटा के कम से कम 25,000 लोगों को मतदान से षड्यंत्र पूर्वक वंचित किया गया। उसके बाद इनकी सुरक्षा का जो मामला है, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि जहां पर लोग सतर्क थे, राजनीतिक पार्टियां या हम लोग सतर्क थे, वहां पर तो हमको सूचना मिल गई, पर पूरे प्रदेश से यह शिकायत आ रही है कि इनको स्ट्रांग रूम में रखने की, इनको सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों को नहीं बताई गई। हमने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में जब भी हम लोगों ने बातचीत की, सबसे पहले हम लोग मिलके गृह सचिव से लेके DGP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, धमतरी जिले में हमने SP को हटाने की मांग की, अभी कुछ दिन पहले फिर हमारे प्रभारी, चुनाव प्रभारी महोदय, उनसे मिलके विभिन्न विषयों पर बातचीत की। अभी 2 दिन पहले पाटन के उम्मीदवार ने, श्री भूपेश बघेल जी ने गंभीर आरोप लगाया कि 16 तारीख को भी आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, मैंने मतदान के पूर्व 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जो मतदान चुनाव प्रचार बंद हो जाता है उस दौरान भी गाजे बाजे जुलूस झंडे के साथ मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार किया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिए। उसी तरह से हमारे बीजापुर के उम्मीदवार श्री महेश गागड़ा जी ने भी वहां के कलेक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जो निर्वाचन अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, वो हमने आरोप गंभीर लगाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिना अनुमति की सभाएं हुई, ये मंत्री श्री कवासी लखमा ने बिना अनुमति की सभाएं ली, और पूरे प्रदेश में जहां जहां हमने शिकायतें की अधिकांश मामलों को उन्होंने लंबित दिखाया और लंबित दिखा के हमें बिना जानकारी दिया आखिरी में उसको निरस्त मान लिया गया। कब जांच की गई, कैसे जांच की गई, हमारा पक्ष उन्होंने सुना ही नहीं कि आप नोटिस दें भाई, आज जांच हो रही है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पहले लंबित दिखाते रहे और आखिरी में निरस्त कर दिए। यदि हमारे आपत्तियों पर, हमारी शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यवाही नहीं करेगा तो हम दिल्ली जाके भी इसकी शिकायत करेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और जो हमारी शिकायतें हो उस पर कार्रवाई हो। दूसरी बात, मतदान चुनाव का जो अंतिम चरण है वो अभी बाकी है, कई जगहों में 400 से ऊपर बूथ है, कसडोल है, कवर्धा है, ऐसी जगहों में 400 से ऊपर बूथ है, माने 20 राउंड से भी ऊपर मतगणना होगी।
तो मतगणना के लिए उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं, किस तरह के इंतजाम किए हैं, ये भी सिर्फ हमसे काउंटिंग गणक अभिकर्ता के नाम ले लिए गए, लेकिन व्यवस्थाओं के बारे में, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के बारे में, और जो बैलेट पेपर और जो दिव्यांग और जो सीनियर सिटीजन है उसके मतदान के सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी राजनीतिक दलों में नहीं, राजनीतिक दलों को या विशेष तौर पे हमको हमारी आपत्ति के बाद नहीं दी जा रही है, न हमारी आपत्तियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है, और उसको बिना जांच के जो नस्तीबद्ध करके सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाया जा रहा है जानबूझ के। और अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री है वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री, और केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में चाहे वो कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो, चाहे खुद उसके निर्वाचन क्षेत्र में उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही। और हम ये चाहते हैं राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि हमारी जितनी शिकायतें हैं हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जांच कराई जाए, हमारे पक्ष भी सुने जाए, और यदि उसको नस्तीबद्ध किया गया है तो उसको कारण बताएं, सार्वजनिक बताएं। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आपत्ति पर सार्वजनिक बयान दिया वीवीपीएट के कार्यप्रणाली के बारे में, ई वोटिंग मशीन के कार्यप्रणाली के बारे में, वैसे ही प्रत्येक प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण की प्रक्रियाओं में जो जो कदम उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, हमारी शंकाएं जो जो हैं उस पर सार्वजनिक कथन उनके द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष निर्वाचन के प्रति